कासिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो यास्मीन? आपकी दुआ है। आपके पास अगर थोड़ा सा वक्त है तो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ आओ बैठो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं कासिम भाई, ऐसी बात नहीं है। बिन मांगे ही सब पूरा हो जाता है, कभी आपने मांगने की नौबत ही नहीं आने दी। कहो क्या कहना चाह रही? कासिम भाई, वो कादिर के मुतालिक आपसे बात करनी थी। कहो। कासिम भाई, कादिर आपका बेटा है। जितना कादिर का एहसास आपको और कहकशां भाभी को है, किसी और को नहीं हो सकता। लेकिन यकीन जानिए, कादिर मुझे भी बहुत अजीज है। बिल्कुल अपने बेटे की तरह। खास तौर पर उस वक्त से जब उसने मेरा साथ दिया, सोबिया का साथ दिया। सोबिया मेरी बेटी है, उसने कादिर के साथ जो भी किया बहुत गलत किया। लेकिन तब से मेरे दिल में कादिर का एक अलग मुकाम है। मैं समझ सकता हूं यास्मीन, तुम कहना क्या चाह रही हो? भाई, घर के जो भी हालात हैं आपके सामने हैं, और कादिर की हालत भी आप देख रहे हैं। मुझसे कहीं ज्यादा आप उसके बारे में समझ सकते हैं। मैं समझता हूं यास्मीन, आजकल मैं इसी बात पे गौर कर रहा हूं। कहकशां को तो तुम जानती हो कि वो कितनी जज्बाती है, उसे उसकी बात से हटाने के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है। कासिम भाई, जो भी कीजिएगा जल्दी कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए।